मैं हूं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आप TV20 न्यूज पर बने रहिए, खबरें लगातार जारी है। बीती रात को नगर पंचायत अतरौलिया में ईद मिलादुन्नबी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और जुलूस निकाला गया, जिसमें कि मोमिन टोला में अंजुमन के सदस्य चिरायताप तो अब्दुल कलाम नगर में चेयरमैन सुभाष चंद्र जायसवाल फीता काटकर व हरी झंडी दिखाकर रवाना अंजुमन व जुलूस को रवाना किया। नगर पंचायत सहित पूरा क्षेत्र पैगम्बर इस्लाम की पैदाइश के मौके यानी ईद मिलादुन्नबी के जश्न में डूब गया। क्षेत्र के मुस्लिम इलाकों में सरकार की आमद महरबा मरहबा, आका की आमद मरहबा, सरताज की आमद मरहबा आदि के नारों से पूरा नगर बुलंद हो गया। कई स्थानों पर हिंदू समुदाय के लोगों ने भी अंजुमनों व जुलूसों का स्वागत किया। वहीं बरन चौक पर आपसी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की गई, लेकिन थाना प्रभारी की सूझबूझ से मामला शांतिपूर्ण रहा। नौजवान अंजुमनों के कार्यकर्ताओं ने पूरे नगर को सरकार की आमद पर दुल्हन की तरह सजाया। नगर पंचायत में निकले जुलूस ए मोहम्मदी में जन सैलाब उमड़ पड़ा। जगह जगह झांकियां सजाई गई, कहीं गुम्बदे खजरात तो कहीं हाजी अली का नजारा, तो कहीं देवा शरीफ, कहीं काबा शरीफ, तो कहीं मक्का, तो कहीं बैतुल मुकद्दस की झांकियां सजाई गई। झांकियां बनाने वाले कार्यकर्ताओं सदस्यों को लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की तथा इनामों से नवाजा गया। नाथ के माध्यम से अंजुमनों ने आका व मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन और उनके संदेशों पर रोशनी डाली। नगर के मोमिनपुरा उत्तरी व मोमिनपुरा दक्षिणी के अंजुमन अहबाब अहले सुन्नत व अंजुमन आशिकाने मुस्तफ़ा के सदस्य द्वारा निकाले गए 12 रबी उल अव्वल का जुलूस पूरे शान शौकत के साथ हुजूर किसान में नातिया कलाम पढ़ते वरन चौक राम जानकी मंदिर होते हुए थाना रोड स्थित दुर्गा मंदिर और चौक पर पहुंचे। यहां पर मौजूद अंजुमन फिदाए हक अब्दुल कलाम नगर के सदस्यों द्वारा खैर मकदम किया गया। त्यौहार मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में बताइए। नमदहु अनु सल्ली अला रसूल करीम। आज का ये त्यौहार नबी कौनन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल 571 ईस्वी को मक्का में पैदा हुए और उनके चाहने वाले दुनिया के कोने कोने में उनकी पैदाइश की खुशी का इजहार जुलूस और जलसे की शक्ल में करते हैं। यहाँ के खुश अकीदा और आशिकाने मुस्तफ़ा ने भी उनकी पैदाइश की खुशी में इतने बड़े जुलूस का इंतज़ाम किया। ये ताज़िया नहीं है बल्कि मस्जिद नबवी, जिस मस्जिद के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दफन किए गए हैं, उस मस्जिद का नक्शा है। और ये नक्शा यहाँ से उठ करके जामे मस्जिद की तरफ जाएगा, वहाँ से फिर दूसरा जुलूस में शामिल हो करके वहाँ से अपने प्रोग्राम के मुताबिक, जैसा शासन ने हमको इजाज़त दिया है, शासन प्रशासन की मंशा के मुताबिक हम इस जुलूस को निकालेंगे और अपनी खुशी और अपनी अकीदत का इजहार करेंगे। पुनः कहाँ समाप्त होता है, इसके बारे में? ये पुनः जामा मस्जिद ही के पास समाप्त कर दिया जाएगा। जुलूस निकालने के बाद मुख्तलिफ गलियों और कूचों में निकालने के बाद जल से जामा मस्जिद के पास समाप्त होगा, वहाँ आखिरी में प्रोग्राम होगा और इस मोहल्ले में भी, इस मोहल्ले में आखिर में प्रोग्राम किया जाएगा जश्न ईद मिलादुन्नबी का। उसके बाद सलात व सलाम के बाद दुआ मांगी जाएगी मुल्क की अमन व शांति के लिए, हर हिंदुस्तानी और भारतवासी के लिए। उसके बाद ख़त्म कर दिया जाएगा।